मेरे साथ जाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? काट नहीं खाऊंगा तुम्हें। काट तो तब खाओगे ना जब तुम्हारे मुंह में दांत होंगे। अभी तुम मेरी तरफ टेढ़ी नजर से देखोगे और मैं तुम्हारे दांत तोड़ के तुम्हारे हाथ में रख लूंगी, समझे? मुझे इंसाफी की सजा, मैंने अपने बेटों की कदर भी नहीं की और देखने की कोई नाम भी नहीं समझा। मैं मामी आप समझाना ऐसे, आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। इसके कान तो मैं खींचूंगी और उसे बताऊंगी भी कि मैंने रईस को दिल से अपना बेटा माना है। अरे बिगड़ो नहीं अम्मा, ठंडे दोले दिमाग से मेरी बात सुनो। मामू अपनी आधी जदात मामी के नाम कर चुके हैं। खुदगर्ज, लालची। मैं कह रहा हूँ गाली देने से क्या होगा, जो मैं कह रहा हूँ वो तो सुनो। देखो आधी जदात मामी के नाम, और मामी की अकलौती वारिस कौन? उनकी बेटी एम। और अगर कल को मैं उसका शौहर बन जाता हूँ तो उसके बाद सारी जायदाद का वारिस कौन होगा? मैं, है कि नहीं? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन अम्मा एक और बात सोचो ना, मामू के दो बेटे, उनसे दूरी सही मगर इस दुनिया में तो मौजूद हैं, और आजकल के दौर में उन्हें ढूंढना मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। और जब जायदाद की बंटवारे की बात आएगी तो अदालत उन दोनों को तलाश करने का कहेगी, तो फिर हम क्या करेंगे? अपने हाथ मलते रह जाएंगे। इससे बेहतर ये नहीं है कि मेरी इमन से शादी हो जाए और कम से कम आधी जायदाद तो हमारे नाम हो जाए। अब ये रुपए पैसे और जायदाद के लिए मैं ये कड़वा घूट पीऊं? पीना ही पड़ेगा। ऐसे ठीक कह रही हो तुम मामू। याद नहीं उस दिन मामू क्या कह रहे थे हम दोनों के सामने कि मेरी जायदाद मेरे बेटों की अमानत है? वैसे तो उन्हें कभी बेटों की याद नहीं आई, और जहाँ हमारे फायदे की बात आई वहाँ फट से बेटे याद आ गए। अच्छा ये बताओ कि रिश्ता कब लेके जाना है? बहुत जल्द, हम बस तैयारी करें। लेकिन एक बात बता दो अम्मा, लड़की है वो बहुत नकचड़ी, काफ़ी अरसे से बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं उसे। हाय हाय, क्या किस्मत पाई है फिरोजा बेगम। भाभी मिली तो नकचड़ी, बहू मिल रही है तो नकचड़ी। अरे मैं तो वो थी जिसके नाम से पूरा मोहल्ला कानों को हाथ लगाता है, और अब बहू मिल रही है, ना माफ कर दे। करना पड़ेगा बर्दाश्त इस जायदाद के लिए। हाय मैं मेरी बच्ची प्यारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, अल्लाह ताला नसीब बहुत अच्छे करे। बैठे? हाय मेरा बच्चा, बस बैठ भी जाऊंगी मैं तो, बस तुमसे मिलने आई हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो हमेशा की तरह से। आपा आप अमन तुम ठीक हो? रुशना ये क्या बात कर दी तुमने? मैं अपनी बच्ची को नुकसान पहुंचाऊंगी? तुमने तो सच में दिल ही तोड़ दिया। इतने प्यार से मिलने आई थी मैं अपनी बच्ची से और तुम? नहीं मैं तो ऐसे ही कह रही थी, आपका अपना घर है, जब जी चाहे आए आप। अमन जाओ चाय बना कर लाओ फूफो के लिए। इसको क्यों भेज दिया, निक्कू से चाय बनवा लो। मैं तो इसके लिए इतने महंगे महंगे गिफ्ट लाई हूँ, इसे बुलाओ तो सही, इसको देने। ये तो आपकी मोहब्बत है आपको। चले बाहर बैठे। हाँ हाँ चलो। मोहब्बत, अरे क्या पागल समझ रखा है मुझे। ये सब क्या है? मैं यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये सब क्या है? रजब अंकल की बहन आज मुझ पर इतनी मोहब्बत क्यों लुटा रही थी? हद से पहले तो मेरी शक्ल देखने की रवादार नहीं थी, अचानक इतना इनकलाब कैसे? तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसलिए कि तुम इंतहाई बेवकूफ लड़की हो। जानती हो इस घर में फिरोजा आपा की क्या हैसियत है, फिर भी मुंह बनाकर बैठी रही, शुक्र एक लफ्ज भी नहीं कहा। कुछ मेरी पोजीशन को समझो। आपकी पोजीशन इस घर में बहुत स्ट्रांग है, अगर मैं इनकार भी कर दूंगी तो रजब अंकल आपसे कभी खफा नहीं होंगे। अच्छा मुझे समझाओगी? एमन तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ और अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह से जानती हूँ। पढ़ाई ऐसे नहीं हो जाती, उसके लिए भी पैसों की जरूरत होती है। मत भूल कि आज तुम पढ़ी लिखी हो ना तो मेरी वजह से हो। मैं तुम्हारा रिश्ता रईस से तय कर रही हूँ,
तुमसे राय नहीं मांग रही, सिर्फ इन्फॉर्म कर रही। मामा आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। मामा ये जुल्म नहीं कर सकती हैं आप मेरे साथ। अरे बैठो ना बेटा। थैंक यू। तुम आ जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, आते जाते रहा करो। बड़ी खुशनसीब है वो माँ जिसे अल्लाह ने तुम जैसे लायक बेटे से नवाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। वैसे इतनी तारीफ और वो भी मुंह पर, यकीन करें मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि शर्माऊं या मगरूर हो जाऊं। वैसे खासी खामोशी आपके घर में। एक काम करें आंटी, आप मेहमानों को बुलाते रहा करें और वो मेहमान जो यहाँ पे आराम से आके रह सकें और आपकी खातिर तवाजा कर सकें। कहते तो तुम ठीक हो। तानिया भी अकेले रह रहे के बोर हो जाती है, बहुत तंग पड़ जाती है। अरे तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। इस सारे काम में ना मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आप ठीक कह रही हैं, मन राजी नहीं है, लेकिन मुझे हर हाल में इस रिश्ते को पक्का करना है। मैं जानती हूं ऐमन मुझसे नाराज होगी तो यकीनन आपके पास आएगी। मेरे साथ जबरदस्ती कैसे कर सकता है? मैं और रईस से शादी कर लूं? क्यों? ऐसा कौन सा गुनाह किया है मैंने? खाला से बात करती हूँ, कराची चली जाती हूँ। हाँ यही ठीक रहेगा, नानी के घर से तो ये लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ ला सकते हैं, लेकिन कराची में कासिम भाई है, कोई मुझसे टेढ़ी बात नहीं कर सकती। अभी फोन करती हूँ खाला को। और इस बार वापस आने का कोई इरादा नहीं है मेरा। आपको पता ही है क्या करने जा रही हैं? ये मेरी शादी रईस के साथ करवाना चाहती हैं। ये होती कौन है ऐसा करने वाली? देखिए मैं बता रही हूँ आपको, अगर ऐसा हुआ तो मैं रईस को जान से मार डालूंगी। ना होगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। आप जवाब क्यों नहीं दे रही है? मैं बहुत गुस्से में हूँ। तो वापस कब आ रही है मेरी बच्ची? कौन कौन बात कर रहा है? तेरी खाला बात कर रही हूँ, मेरी राज दुलारी। मेरी दुआएं कबूल होने लगी। ये लो बेटा चाय आ गई। अरे नहीं आंटी, चाय किसी और दिन। अरे इतनी मैंने शौक से तुम्हारे लिए चाय बनाई है, चाय। थैंक यू सो मच। अभी मुझे बहुत जल्दी, मुझे जरा काम से जाना है, ठीक है? थैंक यू। क्या हो गया है पता नहीं आजकल के बच्चों को, चाय बना के लाई हूँ, चाय भी नहीं पी चला गया। कहीं जा रही थी? नहीं मैं तो कहीं नहीं जा रही। बैग क्यों पैक है? अंदर रखने लगी थी। अच्छी बात है,
सुनो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। थैंक यू मामा। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकती। अगर वो मैंने सब कुछ सोचा था तो तुम्हारी बेहतरी के लिए सोचा था, लेकिन तुम बाजिद हो तो ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे। पागल तो नहीं हो गए? मैं तो जी टेबल पे बर्तन लगाने आई थी, इतना अच्छा सॉन्ग देखा तो जज्बात खो गई। वाह क्या जवाब है। ये तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं तो बस इतना कहूंगा कि आज मैं बहुत खुश हूं। I'm feeling top of the world. जरा आप मुझे वजह बताएंगे इसकी? अरे वजह छोड़ो, डांस करते हैं फिर वजह बताता हूं। तबीयत तो बेहतर है? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। चलें चलते हैं डॉक्टर के पास। नहीं 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 कोई जरूरत नहीं। अच्छा सुनो जी जी, वो रईस गाड़ी लेकर कब गया था? उन्होंने चाबी ली थी, पता नहीं कहाँ गए, अक्सर जाते रहते हैं घर। ठीक, बात सुने। हाँ बोलो। रईस साहब का रवैया मुलाजमों के साथ बेहतर नहीं है, कोई भी उनसे खुश नहीं है। ऐसा करो कि जी जी रईस की सरगर्मियों पर नजर रखो और मुझे इतला देते। ठीक है सर। ठीक है। ये तुम क्या कह रही हो? सारी उम्र फिरोजा ने तुमसे और अहमद से नफरत की है, वो उसे अपनी बहू कैसे बनाएगी? रईस अहमद को पसंद करता है और मैं रईस को पक्का कर चुकी हूँ, और सबसे बढ़कर ये कि वो फिरोजा आपा को राजी कर चुका है अहमद के लिए। झूठ ना बोलो, मैं तो करूं सच्ची बात, अहमन उस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करती। छोड़िए अहमन को, कल की बच्ची मेरी बात नहीं मानेगी, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। पुपो, इस सारे काम में ना मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आप ठीक कह रही हैं, अहमन राजी नहीं है, लेकिन मुझे हर हाल में इस रिश्ते को पक्का करना है। मैं जानती हूँ अहमन मुझसे नाराज होगी तो यकीनन आपके पास आएगी। आपने सिर्फ इतना करना है पप्पू के आपने उसकी मदद करने से साफ साफ इनकार कर देना है, उसे बता देना है कि अगर वो मेरी बात नहीं मानेगी तो आप भी उसका साथ नहीं देंगी। पप्पू, ये रिश्ता हो जाने में हम सबकी भलाई है, लेकिन वो बेवकूफ लड़की मानती ही नहीं। अब बैठिए, मैं आपको समझाती हूँ। Thank you.
अब आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर है, ना पता नहीं कहाँ रह गई। वो नानों की तरफ गई है बस, बल्कि आ गई। अस्सलाम वालेकुम। उफ, थक गई हूँ। मैंने एक गिलास पानी मुझे भी पिला दो। क्या हुआ, इस तरह क्यों बैठे? ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, इसलिए जल्दी आ गया। अच्छा है, रेस्ट कर लो। वैसे भी तुम्हें अब पीछे ऑफिस की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, रईस है ना, सब संभाल ले। बस रहने दो, इतनी भी सूझबूझ नहीं है उसमें, अजीब लावाली फितरत का मालिक है वो। इस उम्र में सभी ऐसे होते हैं। जब आपको ये अंदाजा हो कि ये जो सब कुछ है वो आपका नहीं है तो दिलचस्पी खत्म हो जाए। सोच सोच के थक गया हूँ कि मैं अपने बेटों को कहाँ तलाश करूँ। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी तबीयत खराब देखकर परेशान क्यों हो जाती। अब पता चला ये बीमारी तो तुमने खुद मोल ली हुई है। पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। अच्छा तुम क्यों नहीं समझते वो लड़के सिर्फ अपनी माँ के बेटे हैं, तुम उनके लिए काबिले नफरत हो। वो कभी भी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, अपनी माँ का बदला लेंगे तुमसे। जानता हूँ, सब जानता हूँ, उसी से रूप का मुस्तैक भी तो हूं। मेरी बला से सड़ते रहो। तुम जानती हो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूं। इमन मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम वहां पे अकेली हो, अगर उन लोगों ने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश की तो क्या करोगे तुम? डरो नहीं, ये मेरी मामा है। सरवत, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। सरवत से बात हो रही, क्या हुआ, इतने दिनों से आई नहीं? हाँ वो मैंने ही नहीं बुलाया उसे। चलो अब जब चाहो मिल सकती हो, क्योंकि नानी के यहाँ जो जा रही है। नानी के? अचानक आपने ये फैसला कब कर लिया? हाँ वो बहुत उदास थी, कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए अमन को भेज दो, तैयारी कर लो। ठीक है। और हाँ अपने दोस्त को भी बता दो कि तुम आ रही हो। जी हाँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता, तुम्हारे जाने से पहले ले दूँ। नहीं मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़े? मैंने सुना है एमन अपनी नानी के घर जा रही। हाँ सही सुना। मगर आप तो कह रही थी कि आप मेरी उससे शादी करेंगे। तो मैंने इनकार कब किया है? मैं अपने वादे पर कायम हूँ। लेकिन तुम पर अफसोस होता है रईस, कैसे मर दो? एक लड़की का दिल जीतना भी नहीं आता तुम्हें। वो तुम्हें पसंद नहीं करती। तो क्या शादी के लिए लड़की का पसंद करना लाजमी होता? क्या मतलब है तुम्हारा? ये मत भूलो कि वो मेरी बेटी है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि एक बार आप शादी करवा दो, मोहब्बत तो अपने आप ही हो जाएगी। और रानी बनाकर रखूंगा उसे, खुद उसका नौकर बन जाऊं, उतना प्यार करूंगा जितना मामू आपसे प्यार करते हैं। देखेगा उसकी भी राय बदल जाए। आपको शिकायत का मौका नहीं देने वाला, बस एक बार शादी करवा दे। ठीक है, देखा जाएगा। दावे तो सभी ही करते हैं लेकिन काम बन जाने पर आंखें माथे पर रख लेते हैं। नहीं मामी, मैं तो ऐसा नहीं हूं और मैं ऐसा हो भी नहीं सकता। जुबानी कलामी दावे से कुछ नहीं होगा,
सबूत देना होगा। सबूत? सबूत चाहिए? जब कहें दे दूं, आप बस एक बार हुक्म करें। ठीक है, वक्त आने पर आजमा लूंगी। फिक्र ना करो, नानी का घर यहां से दूर नहीं है, हम रस्म वहां जाकर भी कर सकते। जब आप मेरे साथ हैं तो वो इस दुनिया में कहीं भी चली जाए, मुझे किस बात की फिक्र। अन करीब जाऊंगी पुप्पो की तरफ, सारी बात करके आऊंगी। और हाँ, अपनी माँ से कहना ढंग से आए रिश्ता लेने, मेरी बेटी कोई गिरी पड़ी नहीं है, बहुत रिश्ते हैं उसके लिए। समझ गई, और उन्हें भी बता दूंगा। लेकिन आपको मालूम अम्मी ऐमन को पसंद करने लगी। अच्छा है उनकी। तुम बच्ची को परेशान मत करो, उसे अगर रईस पसंद नहीं है तो तुम जबरदस्ती नहीं कर सकती। तुम बीच में मत बोलो, मुझे तो लगता है अहमद से तुम्हारा अपना कोई मफाद वाबस्ता है। जब ही तुम इसी की हमायत कर रही हो। हर कोई आपकी तरह मफाद परस्त नहीं होता, प्लीज। आपसे किसने कहा कि मामा मेरा रिश्ता रईस के साथ कर रही? अरे मुझे किसने कहना है, रशु ने खुद बताया। खैर, मैं भी उन्हें बता चुकी हूँ कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। अभी तुम्हारी उम्र नहीं है ऐसी बातें करने की। अच्छा, शादी करने के लिए मेरी उम्र मौजू है और शादी की बात करने के लिए मौजू नहीं है? वाह भाई, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि कोई मुझे इसके लिए राजी नहीं कर सकता और ना ही जबरदस्ती कर सकता है मुझसे। क्या हो गया ऐमन, क्यों इतना चिल्ला रही हो? दिमाग खराब हो गया इस लड़की का, समझाओ इसे, अपनी माँ को ही दुश्मन समझ रही है। ऐमन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मैं भी ये अभी-अभी सुन रही हूँ। तुम्हारा मतलब है मैं मन घड़त बातें करती हूँ, सारी बातें मुंह बना के लोगों को सुनाती फिरती हूँ? दोनों बात करें, मैं जा रही हूँ। बैठ यहाँ पे, मेरी बात सुन। आप जो मर्जी कर लें, आप मुझे राजी नहीं कर सकते। बेहतर है कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। कह तो ठीक रही अम्मा, रईस इसके काबिल ही कहाँ है। जब तुम उसकी जेब में दौलत देखोगी ना, तो तुम खुद कहोगी अम्मा अमन के लिए इससे अच्छा रिश्ता कोई और हो ही नहीं सकता। अब तो वो रजब का कारोबार भी संभालने लगा है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ उसके कब्जे में होगा। रशो ऐसे ही अपनी बेटी उसे नहीं सौंप रही, सब कुछ अपनी बेटी के नाम लिखवाएगी, तुम देख लेना। वो तो बच्ची है, बात नहीं समझ रही, लेकिन तुम तो समझदार हो ना, जरा समझाओ उसे। ना भाई, मैं तो इस मामले में नहीं पढ़ने वाली। अगर ऐमन राजी नहीं है तो इसका मतलब है कि कासिम भी राजी नहीं होगा, और मैं उसे हरगिज नाराज नहीं कर सकती। तौबा है तौबा, तुमने कभी मेरी बात सुनी है? जब सुनोगी ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। बच्चों खुद इतनी समझदार है, वो सब कुछ संभाल लेगी। जब संभालेगी फिर देखा जाएगा। मुझे लगता है ये सारा ना उल्टा करने वाली है ये। थोड़ा हेल्प चाहिए। जी फरमाइए। गाड़ी खराब हो गई और वो फोन भी नहीं, सेल फोन भी नहीं काम कर रहा, तो कार खराब हो गई है। वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है अंकल, आगे 2 किलोमीटर दूर एक वर्कशॉप है, आप कहें तो मैं उसे बुला लेता हूँ, आपकी कार आके ले जाएगा। हाँ ऐसा अगर हो जाए तो। अच्छा, और अगर आपको अपने घर पे कॉल करनी है तो आप मेरे मोबाइल से कर सकते हैं। नहीं नहीं चूके, बस गाड़ी का ही मसला था। वैसे अंकल यहाँ पे खासा वीराना है, तो मैं आगे तक जा रहा हूँ, आप कहें तो आपको ड्रॉप कर दूँ। अच्छा
सो काइंड, ठीक है ठीक है। ये ले वो मीठा करे। अच्छा बेटा लो, तुम भी लो। मुबारक हो बेटा। ये सब फिरोजा आपा ने एमन के लिए भेजा है और ये आपके लिए है। गोल्ड के? अल्लाह, गोल्ड के क्या जरूरत थी फिरोजा को इतनी तकलीफ करने की? चलो मेरी तरफ से उसे शुक्रिया कह देना। शुक्रिया क्यों, ये तो हमारा हक है, इतनी प्यारी बेटी जो दे रहे हैं। और ये नजमा भाभी आपके लिए। मुझे तो खैर इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मुझे इतना बता दो कि तुम ये एमन की मर्जी के बगैर ये सब कुछ क्यों कर रही हो? फूफो इतनी मिठाई है कि पूरे मोहल्ले में बांटेंगी ना, तब भी ख़त्म नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। लो मेरी शहजादी आ गई, सिर्फ सूरत की शहजादी नहीं बल्कि किस्मत भी शहजादियों जैसे पाई। मामा ये सब मुंह मीठा करो, तुम्हारी बात पक्की हो गई। लेकिन मामा मुझे सवाल नहीं करो, तुम्हारी माँ तुम्हारा बुरा सोच सकती है। सच तो ये कि आपने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं, तो प्लीज अब भी मत सोचें, मैं आपकी कोई बात नहीं मान सकती। रुशना तुम बच्ची को परेशान मत करो, उसे अगर रईस पसंद नहीं है तो तुम जबरदस्ती नहीं कर सकती। तुम बीच में मत बोलो, मुझे तो लगता है अहमद से तुम्हारा अपना कोई मफाद वाबस्ता है, जब भी तुम इसी की हमायत कर रही हो। हर कोई आपकी तरह मफाद परस्त नहीं होता, प्लीज। तुम मुझे मफाद परस्त कह रही, भूल रही हो तुम्हारे सामने कौन है? अहमद? बुरी बात है, माँ के सामने जबान चला रही हूँ। अहमद तुझे क्या जरूरत है माँ बेटी के मामले में बोलने की? हर बात में बता। मेरी बात सुनो अमन। मुझे आपकी बात सुननी नहीं बल्कि अपनी बात सुनानी है। वो लड़का रईस मुझे एक नजर बर्दाश्त नहीं है और आप कह रही हैं कि मैं उससे शादी कर लूं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। रईस रजब का भांजा है, रजब ने आज तक तुम्हारा हर खर्च उठाया है। मेरे पास रही या फूफो के पास, तुम्हारे हकीकी बाप ने तो पलट के तुम्हारी खबर ही नहीं ली। उसे तुम्हारी परवाह होती ना तो वो तुम्हारा पता करने के लिए फूफो के पास आ सकता था, आसियाबाजी से मिल सकता था, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। तुम आज भी मुझे और रजब को अपना नहीं समझती। तुम्हें तो एहसास है तो बस उस शख्स का जिसने तुम्हें अपनी जिंदगी से यूं निकाल दिया जैसे तुम कभी उसकी जिंदगी में थी ही नहीं। ये तो रजब का एहसान है कि वो मेरी बेटी को अपने खानदान की बहू बना रहे। आपके शौहर के पहले ही बहुत एहसान है मुझ पे, उनके एहसानों में मजीद इजाफा नहीं करना चाहती, मैं ये नहीं करूंगी। वो रिश्ता तय कर चुके हैं, तभी तो फिरोजा आपा ने तुम्हारे लिए ये सब भिजवाया है। और इस इतवार को आ रहे हैं वो बकायदा रस्म करने के लिए, मैं कोई हंगामा बर्दाश्त नहीं करूंगी। पर मुझे नहीं पसंद है रईस। तो इससे क्या फर्क पड़ता है अहमक लड़की, तुम क्या समझती हो? मुझे बदसूरत उम्र रसीदा रजब पसंद आ गया था, मर मिटी थी मैं उस पर। देखो याद रखो, मर्द की खूबसूरती उसकी शक्ल में नहीं उसकी दौलत में होती है। जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना ही अकलमंदी है, मेरी बात पर गौर जरूर करना। और एक बात ज़हन में बिठा लो, मैं रुशना बेगम फैसला कर चुकी हूँ और मैं एक बार जो फैसला कर लूँ ना तो पीछे नहीं हटती, क्योंकि मेरे किए हुए फैसले कभी गलत नहीं होते, गलत हो भी नहीं सकते। समझी?
करते हो बेटा? जी कभी कभी। कभी कभी क्या मतलब? सॉरी मैंने सुना नहीं आपने क्या पूछा। असल में अंकल आपको लिफ्ट तो दे दी है लेकिन अब सोच रहा हूँ कि आपको कहीं डाकू ना निकले तो मेरा क्या बनेगा। गुजरती हुई हर गाड़ी को गौर से देख रहा हूँ कि कहीं आगे जाके वो मेरा रास्ता ना रोके और आपके गैंग वाले मुझे कहीं पॉइंट पे ना ले लें तो मेरी तो बारात ही निकल जाएगी। तुम्हारा कसूर नहीं है, हालात ही ऐसे हैं। लेकिन देखो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। अरे नहीं चौके, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ शरीफा। दिल तो मेरा भी यही चाह रहा है कि यकीन कर लूं। खैर जो होगा देखा जाएगा। अब आप कराची में कहाँ रहते हैं? मैं कराची में नहीं रहता, अब आना जाना लगा रहता है, छोटा सा बिजनेस है उसके सिलसिले में। तो फिर आप कराची क्यों नहीं मूव हो जाते? असल में मुझे आइडियाज देने का बहुत शौक है, हॉबी है मेरी। काफी इंटरेस्टिंग बातें करते हो तुम। मैं आपके शहर जब भी आया ना तो आपके घर जरूर आऊंगा। मैं इंतजार करूंगा। आप कितने बेटे हैं आपके? मेरी उनसे दोस्ती तो करवा ही सकते हैं। मेरे दो बेटे हैं, तुम्हारी एज के ही होंगे हैं, बल्कि फिलहाल मेरे साथ नहीं रहते, लेकिन तुम चाहो तो मुझसे दोस्ती कर सकते हो। वैसे काफी दिलचस्प आदमी है आप, आपसे दोस्ती तो की जा सकती है। लेकिन वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती क्यों कर रही है? कि मैं नहीं जानती, बस मुझे ये पता है कि मैं उनकी बात नहीं मान सकती हूँ। उनके शौहर से रिश्तेदारी जोड़ लूं, उनकी फैमिली में शादी कर लूं, जबकि मैं जानती हूँ कि मामा ने मेरे बाबा को उन्हीं की वजह से छोड़ा था। तो अब तुम क्या करोगी? तुम कहो तो मैं अम्मी से बात करूँ कि वो रिश्ना खाला को समझाएं। कोई फायदा नहीं है, वो अपनी बात से नहीं हटती। ईमन मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूँ। तुमने कासिम से बात की? वो क्या कहता है? कासिम भाई के एग्जाम्स हो रहे हैं, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, और तुम भी उनसे बात नहीं करना प्लीज। एक काम हो सकता है। क्या आप बोलो? तुम हमारे यहाँ आ जाओ। हाँ मैं भी यही सोच रही। अरे यार सोचो मत, मैं अम्मी से बात करती हूँ। ठीक है। अबू वैसे भी काम के सिलसिले में दूसरे शहर में है, और यहाँ पे सिर्फ मैं और अम्मी ही तो है, और कासिम भी तो इसी शहर में है। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो हम उसको बुला लेंगे। तुम तैयार रहो, एक बार अम्मी से बात हो जाए फिर हम खुद ही तुम्हें लेने आएंगे। अच्छा ठीक है, अभी मैं फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। ऐसा करना कि वो वहां से ना वो लेफ्ट ले ले। हाँ ये आगे बहुत अच्छा सफर गुजरा, जितना भी गुजरा तुम्हारे साथ। और अच्छे लड़के तुम, नेक माँ बाप की औलाद। अच्छे आनंद तो वैसे इस बात में कोई शक नहीं है, आपकी गाड़ी पहुंच जाएगी आपके पास। हाँ थैंक यू, थैंक्स मंजरी, बहुत शुक्रिया। ओके थैंक्स अगेन, ख्याल रखिएगा अपना। आखिर ये रुशना एमन के साथ क्या करने चली है? एक तो ये वैसे ही दौलत की भूखी है, रिश्तों की तो कोई अहमियत नहीं है इसके नजदीक, और एमन के साथ इस तरह इस शादी के लिए जबरदस्ती, ऐसे ही नहीं कर सकती वो। एमन फिलहाल कासिम को नहीं डिस्टर्ब करना चाहती, लेकिन अम्मी अगर हमने एमन की हेल्प नहीं की और अगर किसी तरह रुशना खाला कामयाब हो भी गई अपने मकसद में तो कासिम बहुत खफा होगा। ठीक कह रही हो तुम, एक बार तो जाके देखना ही पड़ेगा। अब देखो ना पुप्पी के घर रह रही है और हमें फोन करके हमसे मदद मांग रही है, इसका मतलब ये है कि पुप्पी और उसके घर का कोई भी फर्द उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। कोई उसकी मदद करेगा भी कैसे, सब रुशना खाला से डरते हैं। डरती तो मैं भी किसी से नहीं हूं, एक बार जाकर जरूर देखूंगी,
फिर कोई फैसला करूंगी मैं। देखती हूँ, पता नहीं क्या चालें चल रही है ये औरत, कुछ समझ में नहीं आता है। तुम यहां ऐसे क्यों खड़ी हो? तुमने आज खाना भी नहीं खाया। चलो मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, आओ शाबाश। भूख नहीं है मुझे। मैं जानती हूँ ऐमन को तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन खुदा के लिए खुद को भूखे रखकर अपने आप को सजा मत दो। कितने अरसे से मैं आपके साथ रह रही हूँ, साथ रहने से मोहब्बत और अपनाइयत हो जाती है, आपको मुझ पे तरस नहीं आ रहा? मुझे तो हैरत होती है रुशना, मेरी खुद की बेटी होती ना तो मैं उसके लिए पूरे जहान से लड़ जाती, लेकिन ये पता नहीं कैसी माँ है, बेटी के ऐसा साथ को समझ ही नहीं रही। लेकिन फिर भी तुम फिक्र मत करो, मैं और कासिम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने देंगे। सुन के अच्छा लगा। लो मामा, आपके लाडले पड़ोसी आए हैं। सलाम अलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, आप ये हाथ में बाल्टी। दरअसल आंटी, हमारे घर का पानी खत्म हो गया, मैं पानी लेने आया हूँ। जाओ तो अनिया, बाल्टी में पानी भर दो, जाओ खुद ही जाकर ले आओ, हम पहले ही बहुत परेशान बैठे हैं। क्यों, क्या हुआ? परेशान? सब खैरियत तो है, मुझे नहीं बताओगे क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, वो बस छोटा सा मसला है। एक लड़की की सारी जिंदगी का सवाल है मामा, ये छोटा सा नहीं बहुत बड़ा मसला है। क्या हुआ लड़की को? वो ऐमन है ना, उसकी अम्मी उसकी जबरदस्ती शादी करवा रही हैं। क्या, ऐमन की शादी?